गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस बालकनी का थोड़ा बहुत मेकओवर करने वाली हूँ। ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, कलरिंग का काम थोड़ा अवॉइड करके बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरीके से स्कोर रखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं इस बालकनी की थोड़ी बहुत बातें बता दूं कि ये देखिए, हमने नेट लगाया हुआ है क्योंकि कबूतरों ने इतना नाक में दम कर रखा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेट लगाने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, लाइक उनके पंख, उनकी पॉटी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कबूतरों को तो हम भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मैं रेंट के घर पर अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ही रह रही हूँ, तो एकदम से तो वो जाएंगे भी नहीं। और अगर मैं सॉल्यूशन करती हूँ इसका, तो तब तक मुझे फिर इस घर को छोड़ने का टाइम आ जाता है। इसीलिए मुझे ही कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं इस बालकनी को थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन रख सकूं। तो वैसे तो देखिए नीट एंड क्लीन रहता ही है, फिर भी यहाँ पर मैं अब कुछ गमलों को कम करने वाली हूँ ताकि जिससे मैं साफ़ सफाई करने में मेरे लिए आसान हो जाए। और इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है तो चलिए देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, बालकनी में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो मैंने ये अमेज़ॉन से एक स्टैंड मंगाया है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 1 वीक हो चुके हैं और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इस स्टैंड का मंगाने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखिए ये ईजी तरीके से असेंबल हो जाता है और थोड़ा इसकी हाइट भी ज़्यादा है। और कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इस बालकनी को पहले, सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाल के पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैंने उतने ही गमले रखे जितनी मैं मेंटेन कर सकती हूँ और उसके बाद ये जो स्टैंड है इसके ऊपर मैंने इन गमलों को कुछ इस तरीके से रख दिया। इस स्टैंड पर 9 गमले आराम से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा सारा गमला आ गया और कारण सिर्फ ये है। तो ये देखिए, झाड़ू लगाना भी मेरे लिए आसान है। अगर हम इसमें पानी भी डालते हैं तो पानी भी गिरता है देखिए गमलों से, तो सारा साफ सफाई करने में मेरे को इजी रहेगा। इसी वजह से ये मैंने स्टैंड को परचेस किया और क्लीनिंग करने के लिए मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो चलिए, इन कबूतरों को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ये यहाँ पर पॉटी करते रहेंगे, अपने पंख बिखेरते रहेंगे, तो उसका सॉल्यूशन फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। और अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए, अब बढ़ती हूँ मैं आगे। मुझे एक DIY करना है और वो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी 2 मटकी ले रखी हैं, एकदम छोटी वाली जो हम दिवाली वगैरह पे भगवान के सामने रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मटकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और कुछ इस तरीके से मैंने पानी में, जब मैं बालकनी क्लीन कर रही थी उससे पहले ही मैंने इनको पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि मिट्टी जो है इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और एक कील की सहायता से मैं कुछ हल्के हाथ से इसको इस तरीके से इसके अंदर छेद कर सकूं, बस रीज़न यही था। तो बस पहले पानी में भिगो देना है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉट ले रखा है, मिट्टी का ही पॉट है, और इसमें मैं डाल रही हूँ मिट्टी और मिट्टी को अच्छे से फोड़ लूँगी क्योंकि थोड़ी सी पत्थर जैसे हो गए थे। उसके बाद मैंने 1 मटकी यहाँ पर रखी और उसके अंदर मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट, और यहाँ पर 2 मटकी रखी है। ये दोनों मैंने छेद कर दी हैं और किस लिए की है वो आपको पता चल जाएगा। और जो मेरे भोलेनाथ जी जिन शिवलिंग है उनको मैं यहाँ पर स्थापित कर रही हूँ। तो बस कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ को मैंने अलग करके यहाँ पर सेपरेट किया ताकि मैं इनको रोज़ जल चढ़ा सकूँ। वैसे तो रोज़ ही जल चढ़ाती थी, पर कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने भोलेनाथ का एक जगह बना दिया जहाँ पर मैं आराम से धूप पत्ती कुछ इस तरीके से लगाऊंगी इस मटकी के अंदर, और वो जो छेद किए हैं ना उसमें से धुआं निकलेगा। और उसके ऊपर ये दिया रख रही हूँ और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। और ये मैं समुंदर वगैरह, जब हम गोवा वोवा जाते हैं या बीच जाते हैं तो मैं ऐसा कलेक्ट करती रहती हूँ, वो सब चीज़ें थी मेरे पास, वो थोड़ा सा रख दिया, डेकोरेट हो गया।
अब देखिए मैंने क्यों उसे बनाया है। तुलसा जी के पास कहते हैं कि भोलेनाथ को नहीं रखना चाहिए, तो मैंने तुलसा जी, बहुत से लोग आप देखिएगा तुलसा जी के नीचे शिवलिंग रखते हैं, पानी चढ़ाते हैं, ये गलत होता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, गूगल में सर्च किया इसके बारे में कि अगर आप भोलेनाथ रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, तो उनका एक अलग स्थान कीजिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक पॉट लेकर अलग स्थान किया है, और ये हमारा बहुत ही पुराना बट का पेड़ है जिसे मैं गमले में ग्रो करती हूँ। ग्रो हुआ है, ये 5-6 साल पुराना पेड़ है, और कुछ इस तरीके से ये सारा पूरा सेटअप मेरा हो चुका है बालकनी में। तो बस ये था फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा मेकओवर, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मैंने क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर लेंगे अपने मनी प्लांट और जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके। और ये जो पेड़ है ये मेरा लिविंग रूम में रहता है, अभी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि अब बारिश आने वाली है कुछ दिनों, वैसे आ भी चुकी है, बीच बीच में आ रही है, तो इनको थोड़ा सा पानी मतलब अच्छे से भीगेंगे पेड़, इसीलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और गमलों को पेंट मैंने फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर रखा है, जितने भी मेरे गमले हैं उनको पेंट करने वाली हूँ पर अभी फ़िलहाल नहीं। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल के लिए ये गुड वाइब्स ओनली का ये बोर्ड यहाँ लगाने के बाद और कुछ डेकोरेटिव आइटम लगाने के बाद, अब देखिए यहाँ पर मैं वही बोलूँगी कि अपार्टमेंट वगैरह में अगर हम रहते हैं, रेंट के घर पे रहते हैं, तो कील वगैरह हम नहीं ठोक पाते हैं, तो बस अपना दिमाग चलाना है। तो ये जो कपड़े सुखाने की जो रस्सी थी लोहे की बंधी हुई पहले से ही, वहाँ पर मैंने इस फ्रेम को लटका दिया, ये भी DIY है, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट करना सही समझा, और यहाँ पर देखिए ये हैंग भी हो गया। और ये है अपनी आम की वही पेटी जिसे मैंने DIY करके एक स्टैंड बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक लकड़ी रख दे रही हूँ और इसके ऊपर एक बिछा दूँगी, मतलब लकड़ी का पट्टा रख रही हूँ और इसके ऊपर बिछा रही हूँ एक अपना, ये मैंने पायदान के लिए ख़रीदा था पर मैंने पायदान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, और इसको यहाँ पर बिछा रही हूँ। और ये है हमारी पहली जो कार थी उस कार के कुशन, तो उसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि ये घर में पड़े हुए थे बेड के अंदर, इनको मैंने निकाला और यहाँ पर एक बैठने का सिटिंग एरिया कर दिया। और अब देखिए सामान उतने ही रखे जितना मैं क्लीन कर सकती हूँ और उनकी साज सज्जा करके, सजावट करके मैं मेंटेन कर सकती हूँ। इसी वजह से ये स्टैंड ख़रीदा। और अब आप बताइएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।